अस्सलाम वालेकुम, तरन्नुम के जायका में आप सभी का खुश आमदीद। आज मैं लेके आ गई आपके साथ एक नई रेसिपी। तो आज मैं बना रही हूँ जमजम पुलाव, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते और जमजम पुलाव बनाने में काफी सारी चीजें लगती है और थोड़ी मेहनत भी लगती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जमजम पुलाव में हमें क्या क्या चीजें लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ले रही हूँ 1 किलो मटन, 1/2 किलो चिकन, 1/2 किलो कलेजी, 1/2 किलो कीमा, 1 किलो चावल, थोड़े से आलू और 6 अंडे, और बाकी सारी चीजें मैं आपको बनाते वक्त बताते जाऊंगी। इससे क्या होगा, हमारा वीडियो थोड़ा सा छोटा बनेगा, वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बिस्मिल्ला करके हम जमजम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है पर खाने में माशाल्लाह काफी टेस्टी लगता है। तो बिस्मिल्ला करके बनाना शुरू करते हैं। जमजम पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम रख देते हैं मटन को बॉईल होने के लिए। तो यहाँ पर गैस पे मैंने रख दिया कुकर, कुकर थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें हम तेल डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन गर्म हो चुका है, तभी मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून तेल डाल दी हूँ और तेल गर्म हो चुका है, तभी हम इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 1 टुकड़ा बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, तभी हम इसमें डाल देते तेल में। थोड़े से खड़े मसाले लाल हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह खड़े मसाले एकदम अच्छे से लाल हो गया, तभी मैं इसमें डाल देती हूँ 1 प्याज कट करके। तो मैंने लंबा लंबा सा कट कर ली हूँ प्याज को, प्याज को सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज थोड़ा सा भून चुका है, तभी हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और सबको अच्छे से भून लेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें से जो स्मेल आ रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें अच्छे से भून चुकी है, तभी हम इसमें डाल देते हैं मटर। यहाँ पर मैंने संतोष को डाल दी हूँ और अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़े से भुक्के मसाले, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए। सबको अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिला ली हूँ। अभी हम इसको ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भूनने के लिए। उसके बाद हम इसको प्रेशर पर रख देंगे। मैं 5 मिनट के लिए कुकर को ऐसे ही ढककर रख दी हूँ। 5 मिनट हो चुका है गोश्त को पकते हुए, तो आप देख सकते हो गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ दिया है अच्छे से। थोड़ा थोड़ा गोश्त का पानी निकलना शुरू हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तभी हम इसको रख देते हैं प्रेशर के लिए। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर पानी डाल दी है और अभी हम इसको ढककर सीटी ले लेंगे, 5 या 10 सीटी देखते हैं, क्योंकि सब के प्रेशर का अपना अपना होता है। तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से सीटी ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 सीटी ले लेती हूँ, फिर एक बार हम चेक कर लेंगे। मैंने एक तरफ रख दी हूँ मटन को पकने के लिए, तभी हम दूसरी तरफ चिकन को भी रख देते हैं भुनने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक कढ़ाई, इसमें हम डाल देते हैं तेल। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाल दी हूँ, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैं खड़े मसाले डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 तेज पत्ता, 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची,
दो छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी। तभी हम इसको डाल देते हैं, खड़े मसाले थोड़े से लाल हो जाए फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। जमजम पुलाव में आपको काफी सारी चीजें लगती है, जैसे चिकन, मटन, बीफ, आप जितनी चीजें डालेंगे आपका पुलाव उतना ही अच्छा बनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खड़े मसाले थोड़े से लाल हो गए हैं, तभी मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्याज कट कर ली, उसको मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तभी हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज और अदरक लहसुन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तभी हम इसमें डाल देते हैं चिकन। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो चिकन ली हूँ और 1 किलो मटन ली हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहे तो चिकन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिए, मटन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिए। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डाल दूंगी नमक 1/2 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और सबको अच्छे से भून लेंगे ताकि चिकन में से जरा भी स्मेल ना आए। तो मैं चिकन को ढककर रख देती हूँ भूनने के लिए। थोड़े थोड़े देर पे खोल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे भूनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन को पकते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। आप देख सकते हो माशाल्लाह चिकन एकदम अच्छे से भून गया है। तब मैं गैस को कर लेती हूँ बंद, बीच में मैंने एक दो बार अच्छे से मिक्स कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन तो एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। तभी हम कलेजी को रख लेते हैं भुनने के लिए, और मटन अभी तैयार नहीं हुआ है, तभी मटन बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने रख दी एक कढ़ाई, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए तो इसमें हम तेल डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई एकदम अच्छे से गर्म हो गई, तभी इसमें डाल देती हूँ मैं 1 टेबल स्पून तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें हम डाल देंगे सारे खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ 1 टेबल स्पून बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च 1 चुटकी, 1 तेज पत्ता, 4 लौंग, 1/2 टेबल स्पून जीरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तेल गर्म हो चुका है, तभी हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले थोड़े से लाल हो गए, तभी हम इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को सॉफ्ट होने तक थोड़ा सा भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, तभी हम इसमें डाल देते हैं कलेजी। बिस्मिल्लाह। सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीजों को अच्छे से मिला लूंगी। अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से मिल चुका है, तभी हम इसमें डाल देते हैं भुके मसाले कुछ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नमक मैंने सब में डाली हूँ, चिकन में, मटन में और अभी कलेजी में भी डाल रही हूँ। तो अब थोड़ा थोड़ा सा नमक डालिए, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। और 1 चुटकी हल्दी। सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और मीडियम फ्लेम पे कलेजी को अच्छे से भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन एकदम अच्छे से भून चुका है, और मैंने कलेजी को भी रख दी एक तरफ पकने के लिए, और मटन भी हमारा बॉईल हो रहा है। तो जब तक यहाँ पर मैंने ले ली हूँ 3 आलू, इसको मैंने इस तरीके से कट कर ली हूँ।
अभी हम इसमें डाल देंगे कलर। आप जो भी कलर चाहे आलू के, आप उस तरीके से वो कलर डाल दीजिए। अगर आपको कलर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ, हाफ टेबल स्पून। और यहाँ पर मैं ग्रीन लिक्विड कलर डाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो कोई आप दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं, पता अगर आपको रेड नहीं चाहिए, दूसरा कलर चाहिए तो आप वो कलर ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि जो कलर है वो आलू पे चढ़ जाए। इस तरीके से हम इसको रख देंगे। इसे क्या हो गया, हमारे आलू एकदम अच्छे से रेड रेड हो जाएंगे। अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद हम आलू को फ्राई कर लेंगे। कलेजी को पकते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, तभी हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह कलेजी कितनी अच्छी लग रही है। हम सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ऐसे ही थोड़े देर और भून लेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कलेजी बनके एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम अपने कबाब के लिए बैटर मिक्स कर लेते हैं। कबाब बनाने के लिए मसाला लगा लेते हैं। अभी मैं इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लूँगी ताकि कलेजी एकदम अच्छे से रेडी हो जाए। आप देख सकते हो माशाल्लाह कलर भी कितना अच्छा आया है। तो इंशाल्लाह भी हमारी थोड़ी देर में कलेजी तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी कलेजी एकदम अच्छे से भुनकर रेडी हो गई। तो मैंने इसको एक बर्तन में निकाल ली हूँ। तभी हम कबाब का मसाला लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हूँ कीमा, यहाँ पर मैंने मटन का कीमा ली हूँ। आप चाहे तो बीफ का भी कीमा ले सकते हैं। आधा किलो कीमा है तो इसमें हम डाल देंगे एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून भर के ले ली हूँ मैंने। और दो छोटे प्याज को एकदम बारीक चॉप कर ली हूँ, वो डाल देंगे। इसी में डाल दूंगी हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, एक टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स। यहाँ पर मैं हरी मिर्ची कट करके नहीं डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लाल मिर्ची स्किप कर सकते हैं। एक टेबल स्पून नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डाल लीजिए। सब में नमक डाल रहे हैं तो आप हिसाब से डालिए ताकि आपका नमक ज्यादा ना हो जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। इसे मैं डाल दूंगी एक टेबल स्पून जीरा पाउडर और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कोथमीर की हरी पत्ती। सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तभी हम इसमें डाल देंगे बेसन, थोड़ा थोड़ा सा बेसन डालकर मैं मिक्स करते रहूंगी, जितना लगेगा उतना यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कप बेसन ली हूँ, तो देखते हैं हमें कितना बेसन लगता है। ज्यादा बेसन नहीं डालना है। कीमे को धुलकर आपको अच्छे से रख देना एक साइड में ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो भी है कीमे में वो निकल जाए। थोड़ा थोड़ा बेसन डालते रहूंगी और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर मैंने एक कप पूरा बेसन डाल दी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दी, तभी हम इसको ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे। उसके बाद हम कबाब बनाना शुरू कर देंगे, कबाब को फ्राई करना। तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने 6 अंडे के बॉईल कर लिए, तो अब हम इसके छिलके निकाल लेते हैं। आप चाहे तो और भी अंडे ले सकते हैं। आधा घंटा हो चुका है, तो अभी हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में ले ली हूँ तेल, तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तेल गरम हो चुका है, तभी हम कबाब बना बना कर डाल देते हैं। हाथ में तेल लगाकर छोटे छोटे से कबाब बनाना है, ज्यादा बड़े साइज के नहीं बनाना है, क्योंकि जमजम पुलाव में कबाब जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, पर अगर आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं, पर छोटे बनाए तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं कबाब को फ्राई कर लेती हूँ इसी तरीके से। मैं छोटे छोटे से सारे कबाब बनाकर डाल दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने सारे कबाब डाल दी हूँ। इसी तरीके से हम फ्राई होने देंगे, थोड़ी देर बाद हम पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने सारे कबाब फ्राई करके निकाल ली हूँ। तभी मैं इसी तेल में आलू को भी फ्राई कर लूँगी। संभाल कर आलू को डाल लेंगे फ्राई होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने सारे आलू को डाल दिए फ्राई होने के लिए। तो पहले मैं रेड कलर वाले आलू को फ्राई कर रही हूँ। ये निकालने के बाद हम ग्रीन कलर वाले आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं ग्रीन वाले आलू भी फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, रेड और ग्रीन के अलावा दूसरा भी कलर आप डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हो चुका है मटन का, तभी हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 8 सीटी ली हूँ, आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से सीटी ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस आप देख सकते हो हमारा मटन एकदम अच्छे से गल चुका है। तभी मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें एकदम अच्छे से रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने मटन को अच्छे से बॉईल करके निकाल ली हूँ और यहाँ पर हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर मैंने चिकन को भुनकर निकाल ली हूँ और यहाँ पर मैंने 6 अंडे को बॉईल कर ली हूँ और यहाँ पर मैंने कलेजी को निकाल ली हूँ। और यहाँ पर हमारे आलू भी एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तभी हम चावल को रख देते हैं पकने के लिए। चावल बनाने के लिए यहाँ पर गैस पे मैंने रख दी हूँ एक पतीली, इसमें मैंने आधा कप तेल डाल दी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तभी हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ली हूँ छोटी इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता, जायफल, दालचीनी और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। थोड़े से खड़े मसाले लाल हो जाए फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खड़े मसाले लाल हो चुके हैं, तभी हम इसमें प्याज डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े प्याज को कट कर ली हूँ। प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे सॉफ्ट होने तक। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन मैंने थोड़ा थोड़ा सा सब में डाली हूँ, तो आप ये ध्यान रख के डालिए। और सबको अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से भून चुका है, तभी हम इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 5 टमाटर को कट कर ली हूँ। टमाटर डालते ही थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाए। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दी हूँ और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए और नमक आप ध्यान रख के डालिए, क्योंकि मैंने सब में नमक डाली हूँ, गोश्त में भी डाली हूँ, कबाब में भी डाली और चिकन में भी डाली हूँ, तो आप ध्यान से नमक डालिए। सारी चीज़ों को ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। टाइम हो चुका है भूनते हुए, तभी हम इसमें हरी मिर्च कट करके डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 हरी मिर्च ली हूँ। आप जितना तीखा खाते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अभी हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े प्याज का पेस्ट। आप चाहे तो प्याज कट करके डाल सकते हैं, पर पेस्ट डालने से मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप प्याज का पेस्ट डालिए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तभी मैं इसको ढककर रख देती हूँ भूनने के लिए। बीच बीच में आप 1-2 बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि आपका मसाला नीचे से जले ना, और गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है। थोड़ा टाइम हो चुका है भूनते हुए, तभी हम खोल के चेक कर लेते। आप देख सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर एकदम अच्छे से गल चुके हैं। तभी हम इसमें सारे भुक्के मसाले डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए, और हरी मिर्च तो मैंने कट करके डाली हूँ। और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अभी मैं डाल दूंगी इसमें पानी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल ली हूँ मसालों को भूनने के लिए, ताकि मसाले हमारे जले ना बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाले एकदम अच्छे से भून चुके हैं, तभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। 1 से 1.5 लीटर पानी मैंने डाल दी हूँ यहाँ पर। अभी हम ढककर रख देंगे पानी को पकने के लिए। थोड़ा टाइम हो चुका है, तभी हम चेक कर लेते हैं।
तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी एकदम अच्छे से पकना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। तभी हम इसमें डाल देंगे चावल। तो मैंने चावल को अच्छे से धुलकर रख दी हूँ और यहाँ पर मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ और 1 किलो चावल ली हूँ मैंने। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दी और इसमें मैंने डाल दी थोड़ा सा पुदीना और कोतमीर और अभी हम इसको ढक कर रख देंगे पकने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा टाइम हो चुका है चावल को पकते हुए, तो अभी हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा पानी सूख चुका है, तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत मज़े की आ रही है। अभी हम इसमें गोश्त डाल देंगे, मैंने इसमें मटन डाल दी हूँ और अभी हम इसमें चिकन डाल देंगे। चावल का पानी थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद ही आपको सारे गोश्त डालने हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला ली और अभी हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे पकने के लिए। 5 मिनट हो चुका है, तो अभी हम खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा भाप भर चुका है, तभी हम इसमें डाल देंगे कलेजी। तो मैंने कलेजी डाल दी और अभी हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। यहाँ पर मैंने एक बड़ा नींबू का रस निकाली हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जमजम पुलाव मैं अपने तरीके से बता रही हूँ और ये बहुत कम मसाले में बनके तैयार हो जाती है, आप देख सकते हो। अभी हम इसको ढक कर रख देंगे दम पे। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा टाइम हो चुका है दम पर रखे हुए, तभी हम एक बार खोल के चेक कर लेते हैं। मैंने एक बार बीच में खोल कर अच्छे से मिक्स कर ली थी, तो मैं चेक कर लेती हूँ चावल हुआ है या नहीं। तो माशाल्लाह चावल एकदम अच्छे से रेडी हो गए हैं, तभी हम इसकी ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कोतमीर और पुदीना और कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे अच्छे से डाल देंगे। आलू डाल देंगे, आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। और माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और जमजम पुलाव खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जितनी चीज़ें आप ऐड करेंगे जमजम पुलाव खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। पर अभी मैं डाल देती हूँ अंडे। फिलहाल जमजम पुलाव में इतनी ही चीज़ें रहती है, आप चाहे तो इसमें से आप कलेजी स्किप भी कर सकते हैं, पर डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह हमारा जमजम पुलाव देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आज का वीडियो मैं ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपको और कौन सी रेसिपी देखनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। अभी मैं इसको कर दूंगी सर्व। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।